पर है तो यार इंसान इंसान नहीं और खबर बता रहा है तो होना तो जरूरी है मेरे हिसाब से तो नॉट फॉर मी मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है क्योंकि एक आम धारणा है लोगों के बीच में कि जो न्यूज़ एंकरिंग होती है वो न्यूज़ रीडिंग होती है अब वो वक्त खत्म हो गया है जहां सिर्फ आप न्यूज़ रीडिंग करते हैं और जो आपको सामने टेलीप्रॉम्प्टर पे दिखता है बस वही पढ़ देते हैं उसमें एक खुद का अपना काफ़ी प्रेपरेशन होता है खुद की अपनी एक स्टाइल होती है ख़ुद का अपना एक बैकग्राउंड नॉलेज होता है जिसकी बहुत सख्त ज़रूरत होती है तो हाँ एक रोबोट जो आप उसको बोलेंगे वो पढ़ देगा या पढ़ देगी पर एक अपना जो एक इंडिविजुअलिज्म है वो उसमें कभी भी नहीं होगा आ ये सिर्फ वही चीज़ें वही स्क्रिप्ट पढ़ता है जो कंप्यूटर में फीड कर दी जाती हैं और जो इसे मिलती हैं तो ये पढ़ देता है अगर ऐसा है तो भी नौकरी तो ख़तरे में है ही लेकिन हाँ नौकरी बची हुई है क्योंकि अब वो ज़माना गया अब न्यूज़ के साथ साथ व्यूज़ भी हैं व्यूज़ के साथ साथ ज़बरदस्त चर्चा भी है डिस्कशन भी है लाइव भी है लाइव जगह जगह से है अब ये लाइव कैसे करेगा आप हमें बताइए मान लीजिए प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश में इलेक्शन है मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वोटिंग हो रही है वोटिंग वाले वाले दिन अगर हमें बताना है कि किस बूथ पर कौन सी वोटिंग हो रही है कितनी लाइन लगी है कहाँ लोग हैं कहाँ नहीं हैं कहाँ बूथ कैप्चरिंग हो रही है कहाँ ई में शिकायत आ रही है या जिस दिन रिजल्ट आया रिजल्ट वाले दिन हम आ, अलग अलग विभिन्न राजनीतिक राजनीतिक दलों के नेताओं से बात कर रहे हैं उनके उनके रिएक्शंस ले रहे हैं तो क्या ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर है ये वो कर सकता है अगर ये कर सकता है तो मान के चलिए अब हम और हमारे जैसे जो दूसरे एंकर हैं वो आपको नहीं मिलेंगे इसका सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होगा कि होली दिवाली की छुट्टी हम सबको मिल सकेगी और परिवार के साथ कुछ और समय बिता सकेंगे दोस्तों के साथ समय बिता सकेंगे लेकिन अगर हम बात करें कि डिबेट्स कैसे होंगी इसको तो जो लाइनें दे दी इन्होंने पढ़ दी आमतौर से कुछ लोगों की धारणा भी यही है कि पत्रकार यही करते हैं कि टेलीप्रॉम्प्टर पर दो चार लाइनें आ गई वही दो चार लाइनें पढ़ भी दी डिबेट्स कैसे होंगी काउंटर क्वेश्चंस कैसे होंगे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे uh, तो uh, मतलब uh, देर रात की खबरें हैं uh, और अगर एंकर को छुट्टी चाहिए तो चलिए इसके एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है एक्सपेरिमेंट करना तो बहुत अच्छा आइडिया है न्यूज़ एंकर जैसा होना चाहिए बिल्कुल प्लेन और सिर्फ न्यूज़ बता रहा है वैसा ही लग रहा है लेकिन एक जो इंसानियत वाली बात है वो आपको क्लियरली पता चल रही है कि जान नहीं है एक्सप्रेशंस जो हैं वो बिल्कुल ही डेड हैं जैसे कि एक पुतले के होंगे फिर भी बहुत अच्छा देख देखने को मिला कि आईब्रॉज़ वगैरह का जो भाव है जिस तरीके से बोल रहा है डेड पैन एक्सप्रेशन भी है लेकिन थोड़ा सा एक्सप्रेशन जो है नेचुरल भी कॉपी करके डाला हुआ है और वॉइस मॉड्यूलेशन भी अच्छा लगा तो ओवरऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ एंकर्स कितने होंगे हमारी नौकरी ख़तरे में लेकिन uh, मैं यही चाहूँगा कि और टेक्नोलॉजी डेवलप हो तो और आगे जाएगी लेकिन अमेजिंग स्टार्ट और अमेजिंग लग भी रहा है ये न्यूज एंकर